नंदी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 9.3 को आगे बढ़ाते हुए पांचों क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें दिया है दो दो अंडर रूट दो चार 128 लास्ट टर्म में, जिसमें हमारे पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पद कितनी है इस श्रेणी में। तो उसमें देखेंगे अपन पहला पद क्या है, दो, और इसमें सार्वन पद दो उत्तर श्रेणी है, तो सार्वन पद निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सार्वन पद। तो उसमें प्रथम पद क्या है, दो, सार्वन पद कब जाएगा दूसरे पद में, पहले पद को भाग दे दीजिए। दूसरा पद क्या है, दो अंडर रूट दो, इसमें भाग दिए दो का तो अंडर टू आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या है, 128 एन बराबर फॉर्मूला होता है ए एन टू आर की घात एन माइनस वन, तो ए एन कितना दिया लास्ट टर्म 128 कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है दो, प्रथम पद दो, एन सार वन पद कितना निकला था अंडर रूट दो एन माइनस वन पावर है, ठीक है ना। अब दो का भाग दे देंगे 128 से 64 बढ़ जाएगा, तो अंडर टू की घात एन माइनस वन, अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्क कर देते हैं, 64 का वर्क लिख दिया या स्क्वायर चढ़ा दिया, तो रूट से रूट हटा देंगे अपन, स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो दो आ जाएगा, दो की घात एन माइनस वन हो गई। आप 64 को लिख सकते हैं दो की घात 6 और अपन करके लिख लेंगे, दो की घात 12 हो गई या दो की घात एन माइनस वन। अब आधार समान है, आधार समान होने पर क्या करोगे, घातों की तुलना कर लेना, एन माइनस वन बराबर 12 हो जाएगा, ऋणी का पक्षांतर किया तो 12 और 1 जुड़ जाएंगे 13 हो जाएगा, एन यानी कितना हो गया 13, 13 वा पद आपका 128 होगा। इस संबद्धता श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवा, छठे क्वेश्चन में क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। आपको तीन पद दिए हुए हैं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो -2/7 एक्स ऋण 7/2 काय में दिए आपको गुणोत्तर श्रेणी में दिए श्रेणी में, तो गुणोत्तर मान का सूत्र लगा देंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी, गुणोत्तर मान का सूत्र होता है, तो बी क्या दिया एक्स स्क्वायर, ए क्या दिया ऋण 2/7 और सी क्या दिया ऋण 7/2, दो से दो क्रॉस हो गए, 7 से 7 क्रॉस हो गए, ऋण 1 का ऋण 1 को बड़ा करो धन 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, स्क्वायर हटाओ तो वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या जाएगा आपका धन ऋण 1 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन तक प्रत्येक श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको उसमें 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, 8वां प्रश्न है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 21 3 अंडर रूट 7 एन पदों तक का योगफल ज्ञात करना। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी दी है अंडर रूट 7 अंडर रूट 21 3 अंडर रूट 7 और एन पद हैं। पहला पद क्या है इसमें, अंडर रूट 7 और इसका सार्वभौमिक पद निकाल लें। सार्वभौमिक पद कैसे निकालें, सार्वभौमिक पद यानी दूसरे पद में पहले पद को भाग दे, अंडर रूट 21 में अंडर रूट 7 का भाग दें तो अंडर रूट 3 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसके लिए 1 से बड़ा है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ऐसे का क्या, ए इंटू आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी अंडर रूट 7 रख लें और एन की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3 माइनस वन अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वन हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा घात 1/2 तो एन अपॉन 2 हो जाएगा जी, माइनस वन अपन अंडर रूट 3 माइनस वन, इसका हाथ का परमीकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 3 में क्या अंडर रूट 21 आ जाएगा, अंडर रूट 7 का 1 में अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3 और a का वर्ग 1, 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब अपना 12वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 39/10 है, एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल कितना है 39/10 है, योगफल कितना है
योगफल कितना है 39 बटे 10, और गुणनफल कितना दिया उनका 1। सार्वानुपात और पदों को ज्ञात करना है, सार्वानुपात और पदों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? सार्वानुपात और पदों को ज्ञात करना है। एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद, अपन गुणोत्तर श्रेणी मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद ए अपॉन आर ए आर मान लेते हैं। अब इनका योग ज्ञात कर लिखना है, योग कितना दिया तो 39 बटे 10, ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर बराबर 39 बटे 10, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब इनका गुणनफल एक दिया होगा, ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर बराबर 1, ए से आर से आर प्लस हो जाएगा ए क्यू बराबर 1, तो ए बराबर 1 बनूंगा। अब ए की गलत कुछ हुई हो तो एक ही होगी ना, एक मान एक हो सकता है। समीकरण एक में अपन क्या करेंगे, एक की वैल्यू रख लेते हैं, एक कॉमन ले लें एक की वैल्यू रख दी, और ऐसे दिया तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर अपन आ रहा है 39 बटे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका अपन किया 10 10 आर 10 आर स्क्वायर 39 आर हो जाएगा। अब चंतर कर ले 39 आर का तो माइनस 39 आर हो गए। अब ये घटाएंगे 10 के 39 में से घटेंगे तो माइनस 29 आर हो जाएगा। अब अपने गुणा करने में आना चाहिए कितना, 10 गुणे 10 यानी 100, और घटा जोड़ने पर आती है 29 माइनस की 25 और 4 29, 25 चौके 100। तो उसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 दो 10 55 25 5 आर कॉमन आएगा 2 आर माइनस 5 माइनस 2, उसमें से कॉमन आएगा 2 आर माइनस 5 इक्वल 0, 2 आर माइनस 5 भी हो गया 5 माइनस आर इक्वल 0 हो जाएगा। अलग अलग सूत्र कर दें, 2r माइनस 5 बराबर 0, 5r माइनस 2 बराबर 0, 2r बराबर 5, 5r बराबर 2, r बराबर 5 अपॉन 2 और r बराबर 2 बटे 5 हो गया। अब अपन ने क्या निकालना था, पद निकालने थे, क्या निकालने थे इसमें पद पूछ रहे हैं, यानी पद कितनी होंगी, यानी पहला पद क्या है 1, तो यानी कि 1 बटे r, 1 बटे r यानी कितना हो जाएगा, r का मान 5 बटे 2 या 2 बटे 5 हो सकता है, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा आपका, ए सो अपने मालूम है एक है, और ए आर क्या हो जाएगा यानी कि आर, आर निकाल ही लिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार से आपके पद निकल आएंगे, यानी पद क्या हो जाएंगे आपके 5 बटे 2 या 2 बटे 5 होगा या 1 होगा, ठीक है ना, ये आपके पद निकल आए। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हैं, जैसे आपका 18वां क्वेश्चन है वो देखो जरा ध्यान से। देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है, अनुक्रम 8 88 888 8888 के n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 8 s बराबर लिखेंगे 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस n पदों तक का योग। और इसमें अपन क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 सभी में कॉमन ले सकते तो क्या होगा 8, तो कॉमन लेंगे तो एक आ जाएगा 111 और ये 111 n पद तक हम लिखेंगे। और इसमें 9 का गुणा कर दें, 9 का भाग दे दी, तो 9 का भाग दे दी 8 बटे 9 ले दिया, 9 का गुणा कर दे तो 999 हो गए n पद होता। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 ऋणी 99 को 100 ऋणी और 999 1000 ऋणी लिख सकते हैं। और इसकी अलग अलग श्रेणी बनाना, पहले पदों की श्रेणी अलग और दूसरे पदों की श्रेणी अलग हो जाएगी। पहला पद क्या है 10 100 1000, इसकी एक श्रेणी बन गई। और इसमें एक कितनी बार घट रहे हैं, एन बार घट रहे हैं, तो उसका अर्थ होगा माइनस एन, ठीक है। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी बन गई है 10 100 1000 में, ठीक है। और इसमें सार्वानुपात प्रथम पद है 10 और सार्वानुपात 10 है, यानी योग भी बड़ा है कैसे एक से, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए इंटू आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब इसमें ए के स्थान पर 10 रख दिया और आर के स्थान पर भी 10 रख दिया, यानी ए हो गया 10 तो आर हो गया 10, 10 की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन यानी 10 माइनस वन हो जाएगा माइनस एन, एन तो ये तुम्हारा चल रहा है साथ में, इसमें नहीं रखना था जोड़ दो, गलती से कुछ नहीं करना है, एन पे एन ही रहेगा। अब ये हो जाएंगे तो अब 100 10 में से 1 के 9 बचे, 8 बटे 9 का गुणा कर देना, 8 बटे 9 का गुणा किया 10 बटे 9 में तो 80 बटे 81 हो गया, और 8 बटे 9 का एन में गुणा किया तो 8 एन
बटे 9 हो जाएगा। तो जी आपका प्रश्न हुआ। अब आपको ये सारी प्रश्नावली का सॉल्व करना है आपको 9.3। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझसे क्लास में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा।